भाई गांव का इंसान भी क्या ही नाचेगा, जो मैं नाची हूँ मेरे स्टेप्स को देख लो एकदम गवार वाले। तो ऋतिक भैया जा रहे हैं कावड़ लेने के लिए, मम्मी ने तलक किया, दीदी ने तलक किया, संजना जी ने तलक किया और फिर बारी आई निशा जी की। पूरा ब्लॉग वॉच कीजिए गाइस, थैंक यू सो मच। जय बाबा जी की दोस्तों, स्वागत है मिस लेट लतीफ के ब्लॉग में आपका। और मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाती हूँ हर चीज में, ना तो मैं ये ब्लॉग रिस्टार्ट कर पाई थी और ना इसको अभी तक अपलोड ही कर पाई हूँ, जबकि वो कावड़ लेकर आ भी गए। हाँ, कौन ये है? मेरे ऋतिक भैया। और ये गाइस बोल नहीं सकते बट ये बहुत अच्छे हैं। तो गाइस सबसे पहले वो हम तीनों बहनों से अपना टीका कराने के लिए आए थे, दीदी भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, कान्हा भी था और ये है सोंटी भैया। ये हमसे इतने ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब ये हमारा सबसे प्यारा भाई है। और दीदी ने सबसे पहले ऋतिक के टीका किया, क्योंकि ऋतिक भैया बोल रहे थे ऐसा कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे टीका होता है। तो दीदी ने टीका करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले दीदी ने टीका लगाया और उसके बाद पहनाई उनको माला, और माला थोड़ी सी छोटी थी बट कोई बात नहीं, हम इमरजेंसी में सब कुछ लेकर आए थे क्योंकि सबको इतना ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि इनका पता नहीं था कि आज कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं। दीदी ने आरती उतारी, थोड़ी सी मिठाई भी खिलाई थी, मिठाई खिलाई थी और ये थोड़े से फूल डाले और दिया आशीर्वाद, पानी पिलाया और हो गई ये। और अब बारी आई मिस निशा की। निशा जी ने आरती की थाली उठाई और सबसे पहले आरती करी, जबकि सबसे पहले आरती नहीं होती है, टीका लगाया उसके बाद खिलाई, देखो फूल। ये सारी चीज़ें उल्टी कर रही हैं, मतलब फूल सबसे लास्ट में डालते हैं, आरती सबसे बाद में उतारते हैं, मिठाई खिला दी, माला इन्होंने डाली नहीं क्योंकि मेरे को पता नहीं था, तो मैं दो ही माला लेकर आई थी, और पानी पिलाया और हो गई इनकी आरती। और अब बारी आई मिस संजना जी की। और हाँ, मैं सबसे पहले मैंने टीका लगाया, उसके बाद मैंने मिठाई खिलाई, उसके बाद ऋतिक भैया ने मुझे पैसे भी दिए थे, और उसके बाद मैंने डाली माला, दीदी को पकड़ाई अपनी थाली और माला डाली मैंने अच्छे से गले में, और उसके बाद मैंने उतारी आरती। आरती उतारते गाइज मैंने ऋतिक भैया के ऊपर फूल चढ़ा दिए। और अब बारी आ रही है मम्मी की, और मैंने पैसे साइड में रख दिए क्योंकि वो जल जाते, ऐसा मत सोचना कि मैं पैसे उठा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो गाइज मम्मी लगा दिए, मम्मी ने टीका और मम्मी ऋतिक भैया समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आरती उतारी जाती है, तो मम्मी ने पहले खिलाने वाली थी मिठाई, लेकिन मम्मी ने पहले फूल ही डाल दी ऋतिक भैया पे, उसके बाद खिलाई मम्मी ने उनको मिठाई। और मिठाई खिलाते ये पूजा संपन्न हुई और ऋतिक भैया जा रहे हैं, ऋतिक भैया ने पैर छुए, उसके बाद उन्होंने बाय बोला और वो जा ही रहे थे, और उन्होंने अपना मिठाई का टुकड़ा एक बच्चे को दे दिया। और यहाँ सोंटी भैया और निशा नाच नाच के पागल हो रहे थे, और जबकि ढोल जा चुके थे फिर भी ऋतिक भैया ने बोला वापस आओ ढोल बजाओ क्योंकि मेरी बहनें नाचेंगी, और उन्होंने वापस ढोल को बुलाया और बजा ढोल। और अब ढोल की भी आवाज़ आपको सुन लेनी चाहिए गाइस। बस गाइस बहुत है, इतना ही ढोल के बाद सुनना, बाकी मैं सुना देती हूँ। निशा और सोंटी भैया खूब नाचे, दीदी को भी खींचा, कृष्णा भी था साथ में, कृष्णा भी नाचने की कोशिश कर रहा था, और वहाँ पर देव भी है, काफ़ी सारे लोग थे, बच्ची पता नहीं कौन है, बड़ी क्यूट सी थी, बट ये लोग नाचते हुए बहुत देर तक नाचे। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है इन लोगों को नाचते नाचते, इसलिए हमने बोला कि ऋतिक भैया से भी कि ऋतिक भैया जाओ और ऋतिक भैया को हर हर महादेव। फाइनली नाचने का चस्का चढ़ चुका है, तो अब हम लोग नाच रहे हैं अपने टीवी में गाने चला करके। और गाना आप लोग गैस करके बताइए एक बार कि कौन सा गाना बज रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये गाना है कौन सा। गैस कीजिए गाइज। कोई नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा उन्हें मैं ही बता देती हूँ, बताना क्या है मैं ही सुना देती हूँ, सुनिए। और हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गई कि सोंटी भैया इतना अच्छा नाचते हैं कि उनका भी ठुमका देखना, मैं तो उनके ठुमके की फैन ही हो गई, और आप लोग देख के बता दो कि उनका ठुमका आखिर कैसा लगा, ये देखो। सोंटी भैया के साथ नाचने में एक अलग ही वाइब्स आ जाती है गाइज, ये देखो हमारे स्टेप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम दिल्ली से गाँव पहुँच गए गाइज। सो गाइज अब बारी आ चुकी है मैम की, और मैम इतना अच्छा नाचती है, और गाइज अभी भी आप लोग गाने नहीं बता पाएंगे कि आखिर ये गाना है कौन सा, तो फिर भी अगर गैस कर पा रहे हैं तो गैस कीजिए गाइज कौन सा गाना है। तो ये गाना मैं ही बता दूं, हीरोइन ओ हीरोइन, हाँ ये वही गाना है गाइस, थोड़ा सा सुनना तो आपका भी फर्ज बनता है। हाँ, तो इसके आगे ऐसा कुछ आएगा कि तू घर ही से लवलू हीरोइन ओ हीरोइन, तो गाइस यही है निशा का डांस, वो बहुत धीरे धीरे नाचती हैं, बाकी डांस अच्छा किया है। उसके बाद गए हम सोंटी भैया को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने, मेट्रो स्टेशन छोड़ने के बाद हमने उनसे किया हाई फाय, दीदी मिली उनसे गले, और हम निकल गए अपने घर की ओर। गाइस यहाँ पर बात हो रही है कि आप मिलेंगे संजय भाई के बर्थडे में, संजय भाई मैं 28 तारीख को। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।